नमस्कार जी सभी को, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू लेक्चर ऑन क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से बड़ी हैवी डिमांड थी कि मैम आप कंडेंस्ड मैटर या सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर्स लेकर आइए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टलोग्राफी की बात कीजिए। तो पहले मुझे लग रहा था कि मुझे जो सीक्वेंस चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स की उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद आई विल ब्रिंग दिस। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर डिमांड स्टूडेंट्स की तरफ से आई है इट शुड बी मेट एट द अर्लीस्ट, तो चला लिया साथ ही साथ इसको भी। देखते हैं कहाँ तक हम आगे इसके अंदर जाते हैं एंड कितना हमें टाइम इसको कंप्लीट करने में मिलता है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको कंप्लीट किया जाए। तो चलिए हम चलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की दुनिया में। आज के लेक्चर में हम बेसिक सी इंट्रोडक्शन ही करेंगे क्रिस्टल्स की, इसके बाद क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, इंटरफेशियल एंगल्स, फेसेस, एजेस, ट्रांसलेशनल वैक्टर्स एंड ये सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात करनी चाहिए कि क्रिस्टल क्या है। सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर क्रिस्टल्स, व्हाट आर देयर वेरियस एस्पेक्ट्स, व्हाट आर देयर वेरियस प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर स्टडी करनी है। तो देखिए कि सबसे पहले बात हमें स्टार्ट करनी चाहिए फ्रॉम द मैटर इट्सेल्फ, व्हाट इज मैटर। तो मैंने अपने इसी YouTube चैनल पर ही एक लेक्चर मैटर पे बड़ी डिटेल के अंदर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग उस लेक्चर को देखें एंड यू विल कम टू नो कि मैटर क्या होता है, उसकी कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, उसके अंदर ही जो सॉलिड स्टेट आ जाती है मैटर की, उसके अंदर आगे हमें बढ़ना है क्रिस्टल्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सॉलिड स्टेट की ही बात करूँगी। सॉलिड स्टेट को हम लोग क्लासीफाई करेंगे यहाँ पर टू कैटेगरीज के अंदर। किसी भी मैटर की जो सॉलिड स्टेट है उसको कैटेगराइज किया जा सकता है इन द टू कैटेगरीज, क्रिस्टलाइन स्टेट एंड अमॉर्फस स्टेट। जैसे मैं हमेशा कहा करती हूँ कि फिजिक्स में, साइंस में कोई भी डेफिनेशन डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपको उसका एटमोलॉजिकल मीनिंग पता है तो। और सबसे पुरानी लैंग्वेजेस ग्रीक एंड लैटिन है साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर, और इन्हीं में से वर्ड्स डायरेक्टली अपने मीनिंग के साथ डेफिनेशंस लेकर पैदा हो जाते हैं। तो देखिए जो क्रिस्टलाइन स्टेट है, ये जो क्रिस्टलाइन वर्ड है, इट हैज़ बीन एमर्ज फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रिस्टालोज। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड रहा है क्रिस्टालोज, जिसका मतलब होता है क्लियर आइस। इसी तरीके से अमॉर्फस पे जाइए, जो अमॉर्फस है अगेन ग्रीक लेटर है एक अमॉर्फोस, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ही एक लेटर है अमॉर्फोस, जिसका मतलब होता है विदाउट फोम। देखिए यहां से क्लियर हो जाता है फोम कॉन्फ़िगरेशन शेप, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सॉलिड मटेरियल्स जिनकी कोई डेफिनेट शेप ना हो, जिनके अंदर कोई डेफिनेट ऑर्डर ना हो, डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन ना हो, उनको हम बोलते हैं अमॉर्फस मटेरियल्स। सो अमॉर्फस सॉलिड्स आर दोज विच डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन देयर स्ट्रक्चर, उनको बोला जाता है अमॉर्फस मटेरियल्स। और जो क्रिस्टलाइन होंगे वो इनके इंटायरली ऑपोजिट रहेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विल बी दोज इन विच कंटेन रेगुलर पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन देयर स्ट्रक्चर। अब बात यह कि क्लियर आइस के साथ इसका क्या लिंक है। क्लियर आइस मतलब बिल्कुल क्लियर आइस, यानी कि ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। अब जैसे इधर मैं खड़ी हूँ, इधर आप खड़े हो, आपको मेरा फेस, मुझे आपका फेस नज़र आए, ऐसी आइस को हम बोलेंगे क्लियर आइस, मतलब आप उसके आर पार देख पाएँ। और एग्जैक्टली सेम क्रिस्टल्स में होता है कि अगर आपको एक यूनिट सेल पता चल गई है, अगर आपको एक रिपीटिंग पैटर्न पता चल गया है, तो पूरा क्रिस्टल आपकी आंखों के सामने खड़ा होगा। जैसे बिल्कुल आइस में आपको नजर आता है आर पार, तो आपको भी सब आर पार नजर आएगा, यू विल बी एबल टू नो कि ये इस मटेरियल की स्ट्रक्चर है। तो यहीं से ये वर्ड बन गया क्रिस्टालो से, क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलोग्राफी एंड क्रिस्टलाइन स्टेट। तो देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अब मैं इनके अंदर डिफरेंसेस लिखने की कोशिश करूंगी पॉइंट वाइज और स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन ऑनवर्ड्स, ताकि आपको एग्जामिनेशन में चाहे इनकी डेफिनेशन लिखनी है, चाहे प्रॉपर्टीज लिखनी है, चाहे डिफरेंसेस लिखने हैं, वो सब कवर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन या डेफिनेशन, अगर हम इसकी बात करें तो क्रिस्टलाइन मटीरियल्स आर दोज मटीरियल्स, क्रिस्टलाइन materials
आर दोज मटीरियल्स विच हैव अ डेफिनेट शेप और पैटर्न एंड कंटेन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एक रेगुलर पैटर्न है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है कि एक एटम यहाँ पर आ गया, एक यहाँ आ गया, फिर एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, उनके बीच का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ दूसरा एटम है, उनके बीच के एंगल्स, ये सब क्या हो, आपस में मैच करते हुए हों, कि उनके बीच की जो बॉन्डिंग्स हैं, उनके बीच के जो डिस्टेंसेज हैं, जो एंगल्स हैं, जो प्लेन्स हैं, इंटरप्लैनर स्पेसिंग्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं पर मैच करता हुआ हो. ऐसे मटीरियल्स को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन मटीरियल्स. और एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन आप इधर कॉपी कर सकते हैं, बट वहां पे जहां पे ये यहां पे आया कि डेफिनेट शेप, यहां आ जाएगा इनडेफिनेट शेप, यहां आ गया कंटेन, यहां आ जाएगा डू नॉट कंटेन. सो यू कैन राइट इन दिस, यहां पर आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, अमॉर्फस मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और पैटर्न एंड डू नॉट कंटेन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उनको हम बोलेंगे अमॉर्फस मटेरियल्स. अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल्स की जो सीक्वेंस है उसके अंदर क्रिस्टल्स जो हैं उनके एग्जाम्पल्स में क्वार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग क्वार्ट्स एज क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड डायमंड, ये सब क्या हैं, क्रिस्टल्स हैं. डायमंड, कॉपर सल्फेट, आप लोगों को पता है ऑल दीज आर क्रिस्टल्स. अगर मैं अमॉर्फस मटेरियल्स की बात करूँ, इसी तरीके से डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोगों को लिखनी होगी एग्जाम्पल. तो इसकी एग्जाम्पल में ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड इवन सीमेंट, इन सबको हम क्या बोलेंगे, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, सीमेंट एट्सेट्रा, ये सब क्या हैं, अमॉर्फस मटेरियल्स हैं. जैसे जैसे अब हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते जाएंगे, आप लोगों को बड़े आराम से समझ आएगा कि क्रिस्टल्स क्या हैं और अमॉर्फस क्या हैं. अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करूं, इसी फर्स्ट पॉइंट के अंदर एग्जांपल हो गई, हम लोगों ने एग्जांपल भी लिख ली है, डेफिनेशन भी लिख ली है. आफ्टर दैट अगर मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको इस रेगुलर पैटर्न को शो करने की कोशिश करूं, अरेंजमेंट को देखिए कुछ इस तरीके से. मान लीजिए एक ये एक रिपीटिंग यूनिट है जो अपने आप को बार बार अगर रिपीट करती है तो हमें क्या मिल जाता है, पूरा क्रिस्टल. ऑन दिस साइड टू, ऑन दिस साइड टू, कुछ इस तरीके की अगर हमें अरेंजमेंट मिलती है, इसी तरीके से इधर भी, इधर भी, तो, और यहाँ पर ऑल पॉइंट्स पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स रखे हुए हों, तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम क्या नेम दे सकते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स का, इन दिस वे. लेकिन जो अमॉर्फस मटेरियल्स होंगे उनके अंदर कोई, देखिए अब आपको एक हेक्सागन बनती हुई सबके अंदर नजर आ रही है, एक पैटर्न है, एक शेप है डेफिनेट जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए मैंने एक हेक्सागन बना दिया है, उसके बाद एक रेक्टेंगल बन रही है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं. ऐसी जो सीक्वेंस रहेगी किन के अंदर होगी, अमॉर्फस मटेरियल्स के अंदर. यहाँ पर एटम्स मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं, बेचारे भीड़ की तरह कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई कहीं बैठा है, बस जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए. एक ऐसी रेलगाड़ी जिसके अंदर हम कहें कि जनरल डिब्बा रेलगाड़ी का, जिसको जहाँ जगह मिल गई ठुस की गई है और भरा पड़ा है अमॉर्फस मटेरियल्स. हमें नहीं पता कि कहाँ, हो सकता है दो के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस हो सकता है दो के स्पेस में दो एटम्स के बीच में स्पेस बहुत कम हो. सो ऑल इज़ रैंडम. तो ये जो रैंडमनेस होती है स्ट्रक्चर में, ये किस्म के अंदर होती है, अमॉर्फस मटेरियल्स के अंदर. उसके बाद अगर मैं ज्योमेट्रिकल इनकी शेप की बात करूँ, तो शेप जो है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस मटेरियल्स को फिर से डिस्टिंग्विश करेगी, शेप ऑफ दीज मटेरियल्स. सो नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल शेप.
देखिए, जब आपको एग्जामिनेशन में इन चीज़ों को अटेम्प्ट करना होता है, यू जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द मेन हेडिंग्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन. जैसे मैं अभी हेडिंग्स देके उसके बाद एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ों को. सो इट इम्पार्ट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर. अब बड़े आराम से ज़्यादा मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं. सो ज्योमेट्रिकल शेप की कैटेगरी में मैं कहूँ कि क्रिस्टलाइन मटीरियल्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड पजेस सिमेट्री. मतलब जो एक एटम, जो एक पैटर्न है, अपने आप को बड़े लंबे टाइम तक रिपीट करता है. बार 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 वो सिमिलैरिटी अपने आप को रिपीट करती है. एंड सिमेट्री भी इनके अंदर होती है कि आप इधर से देखें, इधर से देखें, इधर से देखें, तो जो बॉन्ड्स हैं, एटम्स की अरेंजमेंट है, आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होती हैं. जैसे जैसे हम इसके अंदर आगे बढ़ते चलेंगे, आपको ये पॉइंट समझ आता जाएगा. सो दे कंटेन, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड पजेस सिमिट्री. ऑर्डर भी होता है, सिमिट्री भी होती है. यही पॉइंट ज्योमेट्रिकल शेप आप इधर लिख देंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे दे डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड डू नॉट पजेस सिमिट्री. बड़ा आसान रहता है इस तरीके से चीज़ों को कंठस्थ कर लेना, ताकि आप लोगों को समझ भी आए और आपको एग्जामिनेशन में लिखना भी आ जाए. तो ये पॉइंट रहेगा ज्योमेट्रिकल शेप का. सो नेक्स्ट वन इज एनिसोट्रॉपी. ये ऐसा पॉइंट है जो बहुत लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है. कई बार स्टूडेंट्स इसको एग्जामिनेशन में गलत भी लिख जाते हैं. एनिसोट्रॉपी, जो क्रिस्टल्स होते हैं दोज आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, और जो अमॉर्फस होते हैं दोज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. क्रिस्टल्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर. अब इसका क्या मतलब है? दैट इज दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ऑल्दो ये नेम बड़ा मिसगाइड करता है स्टूडेंट्स को. देखिए, एनिसोट्रॉपी, आइसो मीन्स सेम, ट्रॉपी मीन्स ट्रॉपिकल, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस की सिमिलैरिटी, और एनिसोट्रॉपिक मतलब सिमिलैरिटी नहीं है. हाउ इज इट पॉसिबल? अभी तो हमने कहा कि इनके अंदर पैटर्न है, अरेंजमेंट है, सिमिलैरिटी है, सिमेट्री है, सब कुछ है, फिर एनिसोट्रॉपिक कैसे? तो यहाँ पर देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हर चीज़ के दो आस्पेक्ट होते हैं. अब जैसे कहते हैं ना कि हर बंदे के दो चेहरे होते हैं, एक दिखाने वाला, एक अंदर वाला. जो अंदर वाला है, जो आपका दिमाग है, अंदर से मन है, वो साफ स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए, बाहर वाले की कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसा ही क्रिस्टल्स के साथ है कि आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर अगर किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, देर एग्जिस्ट टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि देखने में कैसा है, शेप कैसी, बाहर से कैसा दिख रहा है, इस डायरेक्शन से कैसा है, इस डायरेक्शन से कैसा है. एंड अनदर मैं कहूँ थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, उनकी बॉन्डिंग, उनकी बॉन्ड लेंथ, उनके डिस्टेंसेज, उनके एंगल्स, ये जो होती हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती हैं. तो जो क्रिस्टल्स हैं, अभी हमने बात की कि उनके एटम्स के बीच का डिस्टेंस सेम है, एंगल सेम रहेगा, सिमेट्री रहेगी, ये रहेगा, वो रहेगा, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट एटम्स, कि एटम्स के बीच ये सारी सिमिलैरिटीज हैं. लेकिन जब आप उस स्ट्रक्चर को बाहर से देखेंगे, वो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगी. मतलब जो क्रिस्टल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसको एक लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, तो जैसे देखिए, अभी मैंने 2 मिनट पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी कुछ इस तरीके की, कि देखिए एटम्स की अरेंजमेंट अंदर से कुछ ऐसी है, कुछ इस तरीके से है. अगर आप इसको बाहर से देखने की कोशिश करेंगे, देखिए मैं इस एंड से देखूंगी, मान लीजिए इस एंड से देखूंगी, तो यहाँ ये चीज़, मतलब जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कुछ इस तरीके की है. इस एंड से देखूंगी तो कुछ इस तरीके की शेप है. इस एंड से अगर मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके की शेप है. तो अब देखिए, जब बाहर से आप चीज़ों को देखेंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर चेंजेस आएंगे. तो ये जो मटेरियल्स हैं, इनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस. केमिकली अगर आप बात करें, अंदर जाके, अंदर घुस के अगर आप बात करेंगे, तो आपको सब ऑर्डर, सिमेट्री सब नज़र आएगा, जो कि बाहर से नज़र नहीं आएगा. तो बाहरी जो दिखावा है, छलावा है, वो इनका सबका अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होता है. अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती हैं क्रिस्टल्स के अंदर, सो दोज आर थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यू कैन से देयर थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट हो सकती हैं क्रिस्टल्स के अंदर। अगर हम बात करें अमॉर्फस मटेरियल्स की, तो एग्जैक्टली उल्टा आपको इधर लिख देना है, एन आइसोट्रॉपी, यहाँ पर आप लिखेंगे आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी में आप क्या कहेंगे कि अमॉर्फस मटेरियल्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट मीन्स दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्या होगा कि अब जैसे मान लीजिए रबर है, आप जिस इरेजर से इरेज करते हैं उस रबर को आपने रखा, आप इधर से देखेंगे बड़ा सॉफ्ट सा प्लेन सा फील होगा, इधर से देखेंगे बड़ा सॉफ्ट सा प्लेन सा फील होगा, इधर से देखेंगे बड़ा सॉफ्ट सा प्लेन सा फील होगा। इट मीन्स हमें सिमिलर नज़र, बाहर से वो सिमिलर नज़र आ रहा है, मतलब दिखावा है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो अंदर उसके कोई सिमेट्री, कोई अरेंजमेंट नहीं। ऐसे ही आप ग्लास को देखिए, ग्लास आपने कांच का गिलास हाथ में पकड़ा, बड़ा स्मूथ, बड़ा अच्छा सा हम लोगों को चारों तरफ से नज़र आता है, लेकिन व्हाट अबाउट इनसाइड, अंदर कोई सिमेट्री नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में हो भी सकती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम नहीं होती। अगर आपने कभी एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल देखा हो, पोटैश आयन देखिए आप, या फिटकड़ी जैसे घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो क्रिस्टलाइन इन नेचर। अगर आप उसको देखेंगे आपको बड़ी उबड़ खाबड़ सी ऐसे सी नज़र आएगी साइडों से हर जगह से, इट मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट हैं, दैट इज़ एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये था कॉन्सेप्ट एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी का। सो नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट। अगला जो पॉइंट रहेगा, फिफ्थ पॉइंट, अमॉर्फस मटेरियल बेचारा नाराज हो जाएगा कि सारा कुछ इधर इधर लिखी जा रहे हैं, मुझे बताई जा रहे हैं सिमिलरली लिख लेना, तो लिखा तो सिमिलरली जाएगा, तो चलिए मैं फिफ्थ पॉइंट इधर लिख लेती हूँ, किसी को नाराज नहीं करना है हमें। सो नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस मेल्टिंग पॉइंट। इस साइड समझा देती हूँ, इधर बिल्कुल सेम रहेगा, इधर भी आपको मेल्टिंग पॉइंट ही लिखना होगा। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है कि सॉलिड मटेरियल के अंदर जितने एटम्स हैं, आप टेम्परेचर रेज करी जा रहे हैं, करते करते आप एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंचते हैं कि उनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स हैव सिमिलर स्ट्रेंथ इन दिस क्रिस्टलाइन स्टेट, एंड ऑल द बॉन्ड्स ब्रेक एट अ सिंगल टेम्परेचर, अ सिंगल पॉइंट, एंड देयर इज सडन चेंज इन देयर वॉल्यूम व्हेन दे मेल्ट। लेकिन यहाँ पर कहानी ऐसी नहीं है, दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, हमें लगता है कि वो 60 डिग्री पर मेल्ट हो जाएगा अगर वो अमॉर्फस है तो, लेकिन हो सकता है कि वो 50 से स्टार्ट हो और 70 तक चला जाए। हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, सपोज 60 के आसपास कहीं हो गया, लेकिन 50 से स्टार्ट होके हो सकता है 70 तक जाता हो। तो इनकी एक रेंज होती है और इनके वॉल्यूम में सडन चेंज नहीं आता। मान लीजिए अमॉर्फस है मटेरियल, और जैसे ही मैं इसको हीट करना शुरू करूंगी, ये मेल्ट होना शुरू होगा, धीरे 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 स्प्रेड होगा, बिकॉज इसके अंदर सारे बॉन्ड्स अनइक्वल स्ट्रेंथ के हैं, कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, कोई बहुत ज़्यादा वीकर बॉन्ड है, जो वीकर बॉन्ड्स हैं वो जल्दी टूट जाएंगे, जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं, जो ढीठ हैं, वो टूटने में टाइम लेंगे। तो इस वजह से 50 से 70 के बीच वो मटेरियल क्या हो जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा। और इनके अंदर आप कह सकते हैं देर इज़ नो सडन चेंज इन देयर वॉल्यूम, देर इज नो सडन चेंज इन देयर वॉल्यूम एट मेल्टिंग पॉइंट, कि उस पॉइंट पे सडन चेंज नहीं आता, धीरे 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 एक बेचारा जो है वो हम कहें कि अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड देर इज अ सडन चेंज इन देयर वॉल्यूम एट देयर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स हैव सिमिलर स्ट्रेंथ्स एंड दे विल ब्रेक इमीडिएटली। मान लीजिए सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सेम स्ट्रेंथ के, एक जैसे से एक ही लेंथ के हैं बेचारे, मतलब सोच लीजिए सारे मान लीजिए 12 पिकोमीटर के, और मान लीजिए 60 पे आते ही सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और सडनली सब्सटेंस सारा का सारा लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स विल बी हैविंग डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकर बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन फास्ट एंड द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विल टेक टाइम टू ब्रेक। दैट इज वाई एक रेंज होती है मेल्ट होने की इनकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट इज फेज डायग्राम। इनके फेज डायग्राम्स में भी डिफरेंस रहता है। सो नेक्स्ट वन इज फेज डायग्राम। अमॉर्फस भैया नाराज मत होना, फिर से मेरा चौक ऑटोमेटिकली इधर चलने लग गया, यहाँ पर खड़े होने की आदत है बोर्ड के पास। तो देखिए फेज डायग्राम जो है, फेज डायग्राम
अगर आप कूलिंग कर्व्स ड्रॉ करें क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की, इफ़ यू ड्रॉ द कूलिंग कर्व्स ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, यू विल गेट सडन ब्रेक्स इन देम, एंड दो सडन ब्रेक्स विल करस्पॉन्ड टू प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आई मे राइट कूलिंग कर्व्स ऑफ क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइन मटीरियल्स हैव सडन ब्रेक्स इन दैम. बीच बीच में ब्रेक होते हैं, बेचारे कर्व्स टूटे फूटे से होते हैं. दोस करस्पॉन्ड टू, और जो वो ब्रेक्स हैं करस्पॉन्ड टू प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वो जो ब्रेक्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को. और यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो एक यही एडिंग आप यहाँ पर देंगे फेस डायग्राम, एंड यू विल से देयर कूलिंग कर्व्स आर स्मूथ. इनकी कूलिंग कर्व्स के अंदर कोई ब्रेक्स नहीं होते, बिकॉज इनके अंदर कोई क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं है, तो इसके अंदर कोई ब्रेक्स भी नहीं रहेंगी. एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. और यू में से इन दिस प्रोसेस सम एनर्जी इज रिलीज विच करस्पॉन्ड टू लॉस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट. मतलब क्या होगा कि जब बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो उनको सब्सटेंस का टेम्परेचर, मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, मतलब हमने दी उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो बॉन्ड टूटने में यूटिलाइज होगी, कुछ बाहर निकल जाएगी, मटीरियल का टेम्परेचर क्या रह जाएगा कॉन्स्टेंट. यू में से इन दिस प्रोसेस सम एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस some energy is released in the form of heat which corresponds to loss of heat corresponding to loss of heat and temperature remains constant. aur temperature kya rahega constant. और इसका एग्जैक्टली उल्टा आपको लिखना है ऑन द राइट हैंड साइड अंडर अमॉर्फस कैटेगरी. आपको लिखना है देयर कूलिंग कर्व्स आर स्मूथ. सो जो एनर्जी है वो रिलीज नहीं होगी और इनका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा. देयर टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. इनके केस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता. इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एंथैल्पी. चलिए अब मैं उस साइड लिख देती हूँ ताकि अमॉर्फस भाई साहब नाराज ना हो जाएं कि सब कुछ क्रिस्टल को मिल रहा है, मुझे सिमिलर कहकर छोड़ा जा रहा है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंथैल्पी. इट वॉज पॉइंट नंबर 6, एंथैल्पी. अमॉर्फस मटीरियल्स हैव लो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. दे हैव लो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है वो क्या होती है, लो होती है. और क्रिस्टल मटेरियल्स में आप क्या कहेंगे कि ये हैव हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. उसके बाद अगर मैं बात करूँ हीट ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन आर डिफरेंट. अगर आप कहें कि हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो इनकी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की डेफिनेट होती है, लेकिन इनकी क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती है. सो अगला पॉइंट आप यहाँ पर ये कह सकते हैं देयर हीट ऑफ फ्यूजन, कह दीजिए आप हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज नॉट डेफिनेट. दे डू नॉट हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन इनकी डेफिनेट वैल्यू होती है क्योंकि ऑर्डर है, अंदर अरेंजमेंट है. सो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन इनकी होगी. सो दिस वॉज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन स्टेट एंड अमॉर्फस स्टेट. अब क्योंकि हमें क्रिस्टल्स की दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमें क्रिस्टल को अच्छे से समझ लेना चाहिए, वो क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या कंडीशंस रहती हैं क्रिस्टलाइन स्टेट को ऑब्टेन करने की. तो देखिए अगर मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट इज़ अ क्रिस्टल, बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्रिस्टल. तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बोलती जाऊँगी, आप लोग इसको नोट करते जाइए. अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड
having regular or periodic arrangement of atoms, and there exists a basic unit which is repeated over and over again in all the directions to obtain whole crystal. और आप इसको start उसी word से कर सकते हैं, crystallos, that means clear eyes, इसका मतलब regular pattern है, regular arrangement है, तो वो चीज़ हम discuss कर आए हैं. अभी जो मैंने लाइने बोली, आप चाहें तो इसको repeat करके दोबारा से note down कर सकते हैं, आपके notes तैयार हो जाएंगे. तो मैं बेसिकली क्रिस्टल की डेफिनेशन देने के बाद आपको इसके टाइप्स की बात करनी होगी. डेफिनेशन आप दे देंगे क्योंकि हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं इसको. अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो क्रिस्टल्स होते हैं टू टाइप्स के, सिंगल क्रिस्टल, सिंगल बेचारा बट नॉट रेडी टू मिंगल, पॉलीक्रिस्टल्स. तो दो टाइप के क्रिस्टल्स रहते हैं, सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टल. सिंगल क्रिस्टल होते हैं जिनके अंदर पेरियोडिसिटी पैटर्न एक्सटेंड्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द क्रिस्टल. दोज क्रिस्टल्स इन विच पेरियोडिसिटी पैटर्न एक्सटेंड्स throughout the body of the crystal. बहुत लंबी चौड़ी बड़ी हैवी लाइनें लिख दी मैंने, इसका क्या मतलब होगा? और यहां पर इसका एग्जैक्टली उल्टा, when a number of such single crystals are combined together we get a polycrystal. लेकिन यहां पर आप ये लिखेंगे the crystals in which periodicity pattern does not extend throughout the crystal, बड़े छोटे 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 crystals. और you may say when a number of single crystals are joined to form a material we call it polycrystal. A number of single crystals are combined to form a material, then it is termed as polycrystal. इनकी एग्जाम्पल अगर आप लें, सो डायमंड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल क्रिस्टल. पॉलीक्रिस्टल में कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब कहाँ आ जाते हैं? पॉलीक्रिस्टल्स हैं. अब मीनिंग समझिए इसका क्या है कि थ्रू आउट द बॉडी, या फॉर एग्जाम्पल आप बर्फ़ी खाते हैं, बर्फ़ी आदों के मुंह में पानी आ गया होगा, बर्फ़ी का नाम सुनते ही खाने की चीज़ का नाम ले दिया, अब ध्यान ही हट जाएगा इधर से. देखिए जैसे आपने एक बर्फ़ी खाई, सपोज काजू कतली आपने खाई, एक बड़ा एक पैटर्न है, एक ही शेप है, और पूरी की पूरी स्मूथ मैं कहूँ कि पूरी की पूरी एक ही शेप एज सच वो है. अब उन्हीं बर्फियों को जोड़ जोड़ के मैंने एक ब्लॉक बना लिया, तो वो जो एक बर्फी थी दैट वॉज सिंगल क्रिस्टल, और जो पूरा ब्लॉक बन गया दैट इज अ पॉली क्रिस्टल. मोर ओवर मैं आपको और एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ तो मिल्क केक खाते हैं आप लोग, जिसको कलाकंद भी बोला जाता है, उसके अंदर क्या होता है? छोटे 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 गोले से दाने से होते हैं, उसके बाद वो पूरी स्ट्रक्चर बनती है. तो ऐसी जो शेप रहती है उसको बोला जाता है पॉली क्रिस्टल. और जो सिंपल स्ट्रक्चर जिसके अंदर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैटर्न है, एक ऑर्डर है, और पूरे क्रिस्टल के अंदर ये ऐसे ऐसे जा रहा है, रिपीटिंग यूनिट्स नहीं हैं, उसको हम बोलेंगे सिंगल क्रिस्टल, जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स बार बार एक ही वही ऐसे जो यूनिट कंप्लीट है उसी के अंदर ऑर्डर है. अभी यहाँ भी एटम सेम, यहाँ सेम डिस्टेंस, बस वही एक स्ट्रक्चर, वही एक सिमिलैरिटी, वो होते हैं सिंगल क्रिस्टल्स. अब वैसे स्ट्रक्चर्स बार बार वो रिपीटिंग यूनिट यहाँ लगाई, वो हमें मिल जाता है पॉलीक्रिस्टल. अब पॉलीक्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है कि वो जो सबसे छोटी सी स्ट्रक्चर है, जैसे वो मैंने कहा कि छोटे छोटे दाने से होते हैं, उनको बोला जाता है ग्रेन्स. कि ये जो पेरियोडिसिटी है इन पॉलीक्रिस्टल्स दैट इज इंटरप्टेड एट बाउंड्रीज एंड वी कॉल देम ग्रेन बाउंड्रीज. उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन बाउंड्रीज. और वो सबसे छोटी सी स्ट्रक्चर है जो रिपीटिंग यूनिट है, जिसके अंदर पेरियोडिसिटी है और जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ग्रेन. दैट विल बी टर्म्ड एज ग्रेन. तो देखिए द स्मॉलेस्ट एरे इन विच द स्ट्रक्चर इज पेरियोडिक इज कॉल्ड ग्रेन. अभी जो मैंने बोली लाइन द स्मॉलेस्ट एरे इन विच द स्ट्रक्चर इज पेरियोडिक इज कॉल्ड ग्रेन. आप इसको नोट कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ग्रेन. एंड समटाइम्स क्या होता है कि जो साइज ऑफ ग्रेन है दैट इज लार्ज, क्योंकि जो ग्रेन का साइज है, उसके बाद हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इसका साइज कितना हो, बड़ा होगा, छोटा होगा, कितना होगा. सो साइज ऑफ ग्रेन कैन बी एज लार्ज एज
वी कैन सी विद नेकेड आई, हम देख भी सकते हैं, हमें विजिबल भी होगा क्लियरली वो, एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज फ्यू ऑर्डर्स ऑफ एंगस्ट्रॉम्स. बड़ा छोटा भी हो सकता है और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, कितना भी साइज हो सकता है ग्रेन का. अब कई बार क्या होता है कि वेन द साइज ऑफ ग्रेन बिकम सो स्मॉल दैट इट इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ पैटर्न यूनिट, देन मटीरियल लूजेज इट्स क्रिस्टलाइन बिहेवियर एंड सैड टू बी करस्पॉन्डिंग टू ग्लासी मटीरियल्स और अमॉर्फस मटीरियल्स. क्या होता है कि जो ये ग्रेन है इसका साइज बहुत छोटू सा छोटू सा छोटू सा छोटू सा आप कर दें, तो इतने छोटे 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 छोटी छोटी चीज़ें जब आपस में मिलेंगी हमें पता ही नहीं लगेगा कि उसके अंदर जॉइंट भी है, वो छोटी छोटी जुड़के बनी भी हुई हैं, हमें लगेगा कि एक सिंगल ही स्ट्रक्चर है. तो मटीरियल के अंदर ग्लासी करेक्टर आना शुरू हो जाता है. तो ऐसे मटीरियल्स बीच में बेचारे ना इधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि ऐसी क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं कि क्रिस्टलाइन मटेरियल्स बन जाएं. द बेसिक कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, द बेसिक कंडीशंस फॉर formation of crystalline materials. तो देखिए बेसिकली तीन conditions रहती हैं. First one is freezing, second one को मैं बोलूंगी recrystallization, and third one को मैं बोलूंगी sublimation. तीन conditions हैं, आप examination में 1, 2, 3 करके इनकी बात कर सकते हैं. freezing, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन. सब्लिमेशन तो देखिए अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट. सीधा हम कहें कि लिक्विड से सॉलिड हमने बनाया, मैंने जब क्रिस्टल बनाया मेरे पास एक लिक्विड था, मैंने उसको सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, उस प्रोसेस को बोला जाएगा फ्रीजिंग. यू जस्ट नोट डाउन अ चेंज फ्रॉम लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज अक्कर वाया फ्रीजिंग. इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फेज से हम कहाँ पर जाते हैं, सॉलिड फेज पे. इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग. ये जो प्रोसेसेस हैं, मैंने फिर से मैं कहूँ कि मैटर की जो मेरी एक सीक्वेंस है यूट्यूब के अंदर ही, यूट्यूब चैनल पे ही लेक्चर्स की, उसके अंदर डिटेल में इन प्रोसेसेस को मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो देखिए जो सेकंड वन है रिक्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि व्हेन अ चेंज फ्रॉम वन सॉलिड फेज टू अनदर सॉलिड फेज अकर्स, देर इज एन ऑल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. क्या होता है कि शेप चेंज हो जाती है, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन. कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सॉलिड फेज से सॉलिड फेज के अंदर ही जाना होता है, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं, कुछ नए बन जाते हैं, तो इसको बोला जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन. आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हेन अ चेंज फ्रॉम वन सॉलिड फेज टू अनदर सॉलिड स्टेट अकर, देयर इज ऑल्ट्रेशन इन कॉन्फिगरेशन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड एंड वी कॉल इट रिक्रिस्टलाइजेशन. और अगली अगर मैं बात करूँ सब्लिमेशन, आप सबको पता होगा कि गैस टू सॉलिड हमें आना होता है. सो व्हेन अ चेंज अकर्स फ्रॉम गैसियस फेज टू सॉलिड फेज, कि आप सीधा गैस को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, गैसेस फेज टू सॉलिड फेज, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. तो इन तीनों ही प्रोसेसेस से क्रिस्टल्स को ऑब्टेन किया जा सकता है. तो ये तो थी कहानी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टल्स की. इसके बाद की के जो लेक्चर्स रहेंगे उनके अंदर हम आगे बढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की तरफ, ट्रांसलेशनल वैक्टर्स, प्रिमिटिव्स, यूनिट सेल, विग्नर स्टेट सेल एंड रेसिप्रोकल लैटिस, मिलर इंडेसेस, धीरे 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 हम सब करते जाएंगे. थैंक यू सो मच.